दिल दिया गल्लां। भाई तुम्हारी बीजी की तबीयत ना पहले से बहुत अच्छी हो गई है। इसलिए मैंने बुलाया तुम सारों को। सरदार जी, दवाई का टाइम हो गया। रिया, अमृता, मेरी बच्चियों, मैंने सोचा भी नहीं था कि वाहेगुरु मुझे ये दिन भी दिखाएंगे। मेरी दोनों पोती मेरे सामने, जो मुझे खुशी मिली है वो मैं ब्याह भी नहीं कर सकती। थैंक यू सरदार जी। चल मैं तेरी खुशी में और इजाफा कर देता हूं। अब जो खबर मैं तुझे सुनाने वाला हूं ना, उसको सुन के तू सोफे से उठ के नचने लगेगी। आओ, वाहेगुरु की मेहर से दो प्यार करने वालों को मिलाने का टाइम आ गया। अपने वीर और हमारी पोती की कड़माई का संजोग बन रहा है संजोत कोरे। इसलिए वो गिले शिकवे झगड़े सब पे पाओ मिट्टी और आगे बढ़ो। मैंने सोचा है कि कल के कल ही कड़माई कर देंगे अपने वीर और हमारी पोती रिया की। आजा रिया, आजा आजा। बाऊजी। हाँ। ऐसे कैसे? अभी तो बीजी की तबीयत भी ठीक नहीं है और ऐसे में हम तभी तो डैडी जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बीजी की फेवरेट पोती की शादी की खबर सुन के बीजी तो भंगड़ा पाने लगेंगी, है ना बीजी? हाँ, पर जब तक बीजी की तबीयत ठीक नहीं होती थोड़ा रोक भी तो सकते हैं। हाँ। नहीं वैसे करने को तो कल क्यों, आज भी कर सकते हैं। इसमें बीजी को थोड़े कोई काम करना है, सारा काम तो हम ही संभाल लेंगे। बीजी आप तो बस बैठ के आराम करना जी, है जी? पर सरदार जी, सगाई करने की जल्दी क्या है? ओए शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा होता है संजोत कोरे। मैंने सोचा भाई बच्चों में रजामंदी है और सबब से सारे यहाँ पे इकट्ठे हैं, तो भाई जो काम हफ्ते दो हफ्ते तीन हफ्ते में होना है वो आज ही कर लेते। वैसे भी कुछ दिनों से घर का कुछ अजीब सा माहौल हो रखा, वो खुशनुमा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सोचा है डैडी जी ने। और बीजी सबसे बड़ी चीज पता है क्या है कि अमृता यहां पर है। वैसे भी दो तीन दिन बाद तो वो अमेरिका जा ही रही है, अपनी छोटी बहन की खुशियों में शामिल हो जाएगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा ना अमृता जी? हाँ तो पुत्र जोर से बोल। हाँ हाँ क्यों नहीं है, उदास क्यों है जी? क्यों नहीं अच्छा लगेगा?
मुझे लगा था तुम मुझे समझती हो अमृता, शायद अब कह दोगी कि वीर ये एंगेजमेंट मत करो। मैं अब तुमसे प्यार करता हूँ, रबती सो तोड़ देता मैं ये रिश्ता, पर तुमने तो एक इशारा तक नहीं किया। रिया से प्यार करते हो ना तुम वीर, और वो तुमसे, इसीलिए मैं पीछे हट गई। हाँ, करने लगी थी तुमसे प्यार, लेकिन उस प्यार का क्या फायदा जो एक तरफा हो। जानते हो रिया और तुम दोनों परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। खुश है? ओ भाई सारे खड़े क्यों हो, चलो तैयारी शैरी करो। हाँ जी, चलो मुझे सगाई की बहुत शॉपिंग करनी है, इधर आओ। संजोत करे, तू आराम कर, मैं अभी आता हूँ। स्यापे के डर से मैं कुछ ना करूं, मेरी माँ है वो, और मैं ऐसे ही बस बिना कुछ किए हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं। नो आदि, ये जो मेडिसिन तुम्हें दे रहा हूं मैं, ये वर्ल्ड की बेस्ट मेडिसिन है, और ये मल्टीविटामिन्स, ये खा के ना मेरी बीजी की रिकवरी डबल ट्रिपल हो जाएगी, देखना तुम। और ये इस हीट पैड और आइस पैक दोनों भेज देते हैं मेरे ख्याल से। हाँ ये अच्छा रहेगा। और वो जो लास्ट वीक सैंपल्स आए थे उनका, नहीं नहीं पर वो नहीं, वो उससे क्या है एलर्जी है बीजी को, तो वो ठीक नहीं रहेंगे। टू बी सेंड ड्राई फ्रूट्स, और वहाँ ठंड बहुत होती है तो स्नो कोट दैट, नहीं पर बर्फ थोड़ी गिरती है, हवा चलती है, इसलिए विंड चीटर वुड बी नाइस ना। आदि वैसे तो मैं सारी चीज़ें कुरियर भी कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि कोई अपना जाए और मेरी बीजी को बताए कि वो अकेली नहीं है, उनका बेटा मान है उनके साथ। हाँ उनका डॉक्टर बेटा जो उनका इलाज करके रहेगा। आप अंकल इफ आई मे, मेरी जगह अगर आप वहां जाएंगे अपनी मॉम को मिलने, आई मीन आपको देखकर उन्हें इतनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि वो बिना दवाइयों के ठीक हो जाएंगे। I don't know, I feel के मेरी जगह आपको जाना चाहिए। काश ये इतना आसान होता। मगर इसमें मुश्किल क्या है? I don't get it. I mean, वो आपकी मॉम है और उनसे मिलने के लिए ना आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके खुद के डैड भी नहीं। I mean, especially ऐसी हालत में, come on uncle. आप वहां जाइए, अपनी मॉम को मिलिए, और जब आप वापस आएंगे तो अमृता को अपने साथ ले आना, सिंपल। संजू बहन जी, देर तो नहीं हो गई मुझको? नहीं, पर साढ़े पास टाइम बहुत कम है। अच्छा, इन्होंने शाम का ही फंक्शन रख दिया सगाई का, तो जो करना है अभी करना है, जल्दी करना है। राजी को इतनी जल्दी क्या थी? अच्छा तू चल, खड़ी हो। करना क्या बहन जी, दसो। उठ एक मिनट, उठ चल। चलो। ले मेरा हाथ पकड़ और मुझे मंजे से उठा। अच्छा, राम नाल मिला ना जाए, जल्दी करो। चलो भाई मुका देते हैं, बोलो क्या बोलना है? तुम लोग एक दूसरे से प्यार करते हो कि नहीं? मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ, झूठ बोला ना तो परलोक से धार जाऊंगी। बीजी, बीजी। तेरे साथ भौजी ने जो किया उसका एहसान मानता है ना तू, इसलिए तूने रिया से रिश्ते की बात के लिए ना निकली,
अमृता तू तेरी क्या मुझे इसलिए का दिल ना टूटे ये सारी बातें बुला के अपने दिल की बात सुनो बता तुम लोग एक दूसरे को प्यार करते हो या नहीं जिस सच नहीं बताया तो मेरा मरा मुंह देखोगे हाँ बीजी If you ask me, I think Adi is right. वो सही कह रहा है। तुम्हें खुद जाना चाहिए इंडिया। Yes, uncle. But आपकी जो ये विजिट है ना, उसे आप प्लीज सरप्राइज ही रहने देना। Hi, Dr. Sehgal. Dr. Brar, वो recommendation उस hospital के owner ने refuse कर दी है। तू तो क्या? तेरी आने वाली सात पीढ़ियां भी कभी तरक्की नहीं कर पाएंगी कान खोल के सुन ले ओए मैंने आज के बाद तेरी शक्ल नहीं देखनी और ना ही कभी भी तुझसे कुछ भी लेना है जिंदगी में रिफ्यूज कर दिए नहीं नहीं डॉक्टर ब्रार इनफैक्ट हम काफी हैरान भी हुए क्योंकि अच्छा वो डॉक्टर सहगल वो एक्चुअली क्या है ना वो प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो गया है कैंसिल नहीं हुआ है मैं वो सारी डिटेल्स आपको आपको भेजता हूँ मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में I'm so sorry for the trouble. No problem, Dr. Brar. Anything for you. Thank you, Dr. Sehgal. Recommendations refused कर दी डैडी जी ने क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अम्मू मेरी बेटी है और मुझसे जुड़ी किसी भी चीज को वो तो हाथ भी नहीं लगाएंगे और तुम लोग कह रहे हो कि मैं वहां जाऊं क्या करूं वहां जाके बेइज्जत हूं फिर से मैं नहीं जाऊंगा आदि यू गो तुम जाओ हाँ एंड कीप मी पोस्टेड यस अंकल थैंक यू सो मच देखा तुमने कितने जिद्दी हैं वो अपनी ईगो में ये भी नहीं देखते कि नुकसान खुद ही का हो रहा है एक बार फिर से अपनी मेहनत पर अपने हाथों से पानी फेर दिया कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि तुम कहते चाहे ये हो कि तुम बीजी से प्यार करते हो बट एक्चुअली तुम डैडी जी से ज्यादा प्यार करते हो उए, ये क्या कर दिया तूने वो मशीनों के लिए अपनी पूरी हवेली गिरवी रख दी तूने तो क्या करता मैं क्या करता मैं बैंक ने लोन देने से मना कर दिया था उतना पैसा था नहीं कहां से लाता मैं पैसा राणा और निमृत को मैंने वादा किया कि उनके दिल्ली के मकान और रिया की फीस के पैसे मैं दूंगा और ऊपर से मशीनें भी खरीदनी थी क्या करता बोल बैंक वालों ने मना नहीं किया वो तेरी जिद की वजह से हुआ था वो जो तूने वो फाइल फाड़ के फेंक दी थी उसकी वजह से हुआ था वजह तो वो मेरी नाशुक्री औलाद है जिसका बाप होने के कर्जे चुका रहा हूं मैं बीजी के लिए जाना या डैडी जी की वजह से ना जाना मे से तुमने ना जाना चुना सो ऑब्वियसली डैडी जी इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू तुम मेरी जगह होती तो क्या करती जरूर जाती
Really? तुम्हें सच में लगता है कि मुझे जाना चाहिए? Of course जाना चाहिए मान, तुम्हारी बीजी है, तुम्हारा पिंड। वो कौन सी फिल्म का डायलॉग था? बहुत फेमस, माँ और मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। दिल दिया सही कहा तुमने, मेरी भी जी है, मेरा पिंड, मेरे अपने लोग। एग्जैक्टली तुम एक काम करो, वहां पर किसी से बात कर लो, जस्ट फॉर जनरल आइडिया कि वहां क्या चल रहा है। अमू को तो इतना पता नहीं होगा, समन एज जैसे कि चड्डा राणा भाई साहब। एक बार बात तो करके देखो मान, वो एटलीस्ट तुम्हें बता पाएंगे कि वहां क्या चल रहा है, दादी जी क्या सोच रहे हैं। Okay. दिलप्रीत सिंह की खुशियों को करते हैं स्वाहा। हाँ सुखी, अब करते हैं धमाका। वीर जरा मेरे नाला कमरे तक। अमृता तू भी आ जा, अलमारी ठीक करनी है। क्या हो गया तुम दोनों को? और मुंह भी दही जम गया है, बोलते क्यों नहीं? सरदार जी को कुछ बताने वाले थे ना, क्यों नहीं बोल रहे? कब बताओगे? नहीं बताएंगे बीजी। नहीं बताओगे? क्योंकि ये ठीक नहीं होगा। तो ये तुम दोनों का आखिरी फैसला है? हाँ जी बीजी, यही सही है बीजी। हम रिया का दिल नहीं तोड़ सकते। आपको उसकी तरफ से मेरी कोई शिकायत नहीं आएगी कभी बीजी? मैं बहुत खुश रखूंगा उसे, अपने सारे फर्ज निभाऊंगा। और अमृता दी खुशी, हमारे रिश्ते का तो वैसे भी कोई फ्यूचर नहीं है बीजी। मैं न्यूयॉर्क, ये यहाँ। मछली और पंछी एक दूसरे से प्यार तो कर सकते हैं, साथ में घर नहीं बसा सकते बीजी। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम वो फैसला लें जिसमें सबकी खुशी है। फैसला लेना आसान है पुत्र, पर निभाना बहुत मुश्किल। तुम आज के बच्चे हो, मान तो लिया कि जैसा सोचा है वैसे ही होगा, पर रिश्ते पहाड़े नहीं होते जो हर बार वही जवाब मिले। मैंने दुनिया देखी है, अपने तजुर्बे से बता दूं कि दिल दिया गल्ला जेकर दिल में ही दबा दे तो हाँ
हमेशा दबी नहीं रहती। पार 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 निकलने के मौके ढूंढती है। ये देखो और ये वाला, आजकल इतने ब्राइट कलर्स चल रहे हैं ना, और ये वाला, इस कलर के बारे में क्या कहोगे? अरे इस कलर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? ऑरेंज अमृता का फेवरेट कलर है। शादी तुम्हारी रिया के साथ होने वाली है तो उसका फेवरेट कलर याद होना चाहिए ना। अगर तुम्हें तो कोई और ही कलर्स याद है। वीर मैं बहुत दिनों से कुछ देख रही हूँ, ये सारी चीजें बंद कर दो। मैं तुम्हें मेरी बेटी का दिल दुखाने नहीं दूंगी। और तुम क्या कह रहे थे कि जितना प्यार मैं रिया से करती हूँ उतना ही प्यार तुम अपने बाऊजी से करते हो, उनकी इच्छा तुम्हारे लिए हुक्म है। कहाँ है वो हुक्म? भूल गए उनके सारे एहसान? अरे उन्होंने तुम पे कितने एहसान किए हैं, उन्हीं की पोती का दिल दुखाओगे तुम? मैं किसी का दिल दुखाने की कभी सोच भी नहीं सकता, और बाऊजी और रिया का तो कभी भी नहीं। इसलिए मुझे बाऊजी के एहसान याद दिलाने की जरूरत नहीं, वो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। तो प्लीज ये ब्लैकमेल मत कीजिए। उस दिन भी आपने यही किया था और आज भी। देखिए मैं आपका बहुत मान रखता हूं अंकित जी, और इसलिए प्यार से बोल रहा हूं। इसके बाद फिर कभी मुझे डराने की कोशिश मत कीजिएगा, और मैं अपना फैसला कर चुका हूं। ये सब क्या चल रहा है मम्मा? आपने वीर को धमकी दी थी? नहीं बिल्कुल नहीं। वो मुझसे सगाई आपके धमकाने की वजह से कर रहा है? नहीं नहीं, वो तो तुझसे ही प्यार करता है। वो मुझे अमृता नहीं पसंद है, इसलिए मैंने उससे कहा कि थोड़ा अमृता से दूर रहे। झूठ बोल रहे हो आप, झूठ बोल रहे हो आप मम्मा। सच सुनने का शौक है ना, तो सच ये है कि वो अमेरिकन कुड़ी ना तेरे वीर को उड़ा के ले जाएगी, और तू उसके नाम की माला जपती रहना। फिर रिया मैंने तुझसे ज्यादा जिंदगी देखी है। एक बात मेरी गांठ बांध ले, हर चीज का एक वक्त होता है, और उस वक्त पे सही एक्शन नहीं लिया गया तो मौका हाथ से निकल जाएगा। एक बार अगर गाड़ी स्टेशन से निकल गई, उसके बाद तू चाहे जितनी आवाजें देती रहे उसके पीछे भागती रहे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। और वैसे भी बरार खानदान की पुरानी आदत है पुरानी बातों को याद करके रोना। अगर तुझे भी उस लिस्ट में शामिल होना है तो मोस्ट वेलकम, और अगर नहीं तो टेक एक्शन। तू आम खा, मैंगो शेक पी, गुठलियां कहां से आई हैं, आम कितने हैं, पेड़ किसने लगाया है, तुझे क्या? अरे सानू की। रिया मैं तेरी मां हूं, मुझसे ज्यादा ख्याल तेरा और कौन रख सकता है? देख अभी सगाई का समय हो गया, ये समझ सोच बना तो पे चल जाए। नहीं है हा? खुश रहे बस। सुंदर से तैयार हो जा। क्या ऐसा हो सकता है कि वीर मुझे अपने दिल की बात नहीं बताएगा? नहीं नहीं रिया, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वीर करता है मुझसे प्यार। दिलप्रीत सिंह के साथ बुरा करने का वक्त आ गया है।
उनकी मशीनों को जलाकर उनके अस्पताल बनाने के सपने को स्वाहा करना है मैंने। ओए सुखी, ओए गड़ा गीला करा यार शराब नाल। चाचा जी के चेहरे की हंसी आखिरकार हमने छीन ली। अस्पताल की सारी मशीनें जलाकर राख कर दी। और सच कहूं तो अब मजा आया। खुशी का माहौल देख के ना स्वाद आ गया मेरे को तो भैया। ओ भैया रिया और वीर कहाँ हैं? ओ बढ़ाओ भाई, बढ़ाओ बढ़ाओ उनको जी। ओ आ गए। क्या हुआ है रिया? क्या चल रहा था इतनी देर से? जी सगाई से पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो एंड मौके पे क्या कहना है तुझे, क्या बात करनी? बाबूजी वीरपा जी जल्दी चलो, अस्पताल के मशीनों वाले वेयरहाउस में किसी ने आग लगा दी है। ये सच्ची बादशाह मेहर करी रक्षा करी सटी इस काली अंधेरी रात को खत्म करके नया सवेरा ले हो बाबा जी। श्री विनती मेरी आपसे वाहेगुरु जी का कर्ज। वाहेगुरु जी की फतेह। Yeah, yeah. I'll see you next 15. All right. Bye. Man? Dr. Cruz तुम्हारी जगह है और Dr. Johnson मेरी जगह है, OPD संभाल लेंगे। मेरी बात हो गई है। Okay, पर हम जा कर रहे हैं। हाँ। होशियारपुर।
ससुराने को क्या लगा कि वो कुछ ही बोलेगा और मैं सुन लूंगा? अरे बरा रू मैं या न्यूयॉर्क में बैठ के रोऊंगा नहीं, सामने जाके उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगा। परमान तुम इंडिया, आई मीन हम इंडिया कैसे? अरे तो इंडिया जाना मना है क्या हमारे लिए? हमारी अम्मू है वहां, वो भी अकेली, उसे वापस लाने तो हमें जाना ही चाहिए ना। और वाहिगुरु ने चाहा तो बीजी से भी मुलाकात हो जाएगी, और नहीं हुई तो उनके दर्शन तो कर ही लूंगा। क्या पता तब तक डैडी जी उन्हें अपनी दीवी कसम से आजाद करते। आई होप ऐसा ही आवाज था। आदित्य को मैंने ऑप्शन दिया था कि अगर वो चाहे तो अपना जाना कैंसिल कर सकता है, पर वो एक बार इंडिया देखना चाहता है। ओके कम अलोंग। है कहाँ वो? एयरपोर्ट पे है, हमें भी निकलना चाहिए, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अब वन मोमेंट प्लीज, मैं अभी अम्मू को कॉल करके बता देती हूँ कि हम लोग आ रहे हैं ताकि वो प्रिपेयर। नहीं नहीं नहीं, सरप्राइज देंगे। तेरा पुत्र आ गया मां, अपने देश, अपने पेंट, बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हो रही है। टाइम सो हॉट, कैसी जगह ये? ओए ओए खबरदार, वो जो इस जगह के खिलाफ कुछ बोला, दिस इज माई इंडिया। ब्रदर होशियारपुर, ओनली 400 ब्रो। रियली? $400 जी। व्हाट? $400? यस, $400 से एक पैसा कम नहीं लगेगा। तो ये सही है पाजी, किराया मांगोगे डॉलर में और डिस्काउंट दोगे पैसों में? हाँ भाई, थोड़ी शर्म करो, क्यों देश का नाम खराब कर रहे हो? ओ पाजी, आपको हिंदी आती है? ओ हिंदी क्या, सानू तो पंजाबी भी आती है। ओ पंजाबी नहीं आसी? हाँ तो अब जल्दी जल्दी कर और ले चल हमें पिंड लोना, और वो भी सही सही रेट में। ठीक है पाजी, आई समझ गल। चलो पाजी ले चल दे। ओ चिंटू चिंटू सामान रखाओ गड्डी च। क्या हुआ? हॉट यू आर। आजा बलिए आजा। कौन हो सकता है यार जिसने आग लगाई है? तुम्हें ये सवाल पूछने और सोचने की जरूरत भी क्यों पड़ रही है रिया? एक ही इंसान है जो ऐसा कर सकता है और वो है वो कुशवंत। मुझे भी उस कुशवंत पे शक है। तुम्हें शक होगा लेकिन मुझे 100% श्योर है कि ये उसी का काम है। ओ भाई साहब, तो फिर चलो ना उसके घर जाके तोप पे चला देते हैं। आओ मेरे साथ। ओ रुक रुक, सदा जोश दिखाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा होश से काम ले ले। बिना सबूत के अगर हमने उसे टच भी किया ना तो हमें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ भी करने से पहले हमें उसके खिलाफ सबूत ढूंढना होगा। लेकिन उस खुशवंत के खिलाफ हम सबूत ढूंढेंगे कहां से? शॉप से कुछ मिल सकता है शायद। क्या? चलो फिर सबूत ढूंढ के असली गुनेगार को सजा दिलाते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।